Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel. क्रिप्टो का रास्ता. विनर्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बुल रन के लिए ना स्पेशली आज की डेट में हम लोग कुछ प्रॉपर कैटेगरीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे RWA क्रिप्टो, रियल वर्ल्ड असेट्स. एक एंटरप्राइज लेवल पर अगर हम लोग ब्लॉकचेन वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, क्रिप्टो को देखना चाहते हैं, रियल वर्ल्ड असेट्स उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बनने वाला है. और शायद तभी आने वाले बुलरन के लिए RWA के जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सबसे बड़ी हाइप है. इसके बाद अगर हम लोग नेटवर्किंग की टर्म की बात करते हैं तो नेटवर्क के अंदर डीप इन कैटेगरी, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कैटेगरी एक टॉप मोस्ट पोटेंशियल बना रही है. लेकिन आप लोगों ने काफी टाइम से एआई बॉट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी बड़ा रोल देख लिया होगा ब्लॉकचेन वर्ल्ड में, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा स्टोरेज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बन चुका है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में. लेकिन डेटा स्टोरेज के साथ साथ उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर जब डिसीजन की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, प्राइवेसी की बात आती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की बात आती है, ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन की बात आती है, इन सभी चीजों को कंबाइन करके फाइनली इफ वी वांट टू टेक अ राइट डिसीजन देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट विद ब्लॉकचेन. तो यहां पर एक कैटेगरी और बन रही है और वो बन रही है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. अब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी के बाद जो फोर्थ टॉप मोस्ट कैटेगरी है बुलरन के लिए वो है माय फ्रेंड्स गेमिंग. गेमिंग का एक बहुत बड़ा इनोवेशन आ चुका है और आने वाले 5 सालों के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री एक इनोवेटिव इंडस्ट्री बनने जा रही है. वर्ल्ड वाइड गेमिंग को एक्सेप्ट किया जा रहा है. दैट्स व्हाई वी ऑल आर सेइंग कि आने वाला बुलरन में डीप इन कैटेगरी, RWA कैटेगरी, गेमिंग कैटेगरी, AI कैटेगरी, इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में काफी बड़ा रिटर्न मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांस बन जाते हैं. तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं RWA क्रिप्टो. और RWA क्रिप्टो में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है. उन प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेशली मैं इस वीडियो में बात करूंगा. आने वाले वीडियोस में AI बेस्ड, गेमिंग बेस्ड, डीपन बेस्ड या फिर जैसे मैं आप लोगों के साथ सोलाना बेस चेन के प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं. और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हम लोगों को रूट और फंडामेंटल्स को कभी नहीं भूलना चाहिए. और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन वर्ल्ड का रूट क्या है? लेयर 1. लेयर 1 की प्रॉब्लम क्या है? स्केलेबिलिटी. और उसका सॉल्यूशन क्या है? लेयर 2. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेयर 0, वी आर टॉकिंग अबाउट लेयर 3, वी आर टॉकिंग अबाउट लेयर 3 ऑन एंटरप्राइज लेवल, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो फॉर एंटरप्राइज. तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है और ये सब एक इंडिकेटर्स है आने वाले बुलरन में. स्टेप बाय स्टेप आपको सारी वीडियोस क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं डिफरेंट कैटेगरीज की. लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं RWA बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में. देखिए माय फ्रेंड्स, आप लोगों के आगे मैंने टॉप रियल वर्ल्ड असेट्स टोकन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल रखा है कॉइन मार्केट कैप पर. अब जब आप लोग रियल वर्ल्ड असेट्स की बात करते हैं, यहां पर आपको अलग अलग कैटेगरी में ध्यान देना है. अब वो कैटेगरी कैसे? एवलांच जो है वो स्टार्ट है RWA क्रिप्टो का, लेकिन एवलांच लेयर 1 भी है. इट मींस इट्स अ ब्लॉकचेन जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, एक फंडामेंटल है ब्लॉकचेन का, एक रूट है ब्लॉकचेन का. लेकिन एवलांच की ब्लॉकचेन किस पर्टिकुलर यूज केस और पोटेंशियल के लिए मानी जाती है? वो मानी जाती है रियल वर्ल्ड असेट्स के लिए. तो यहां पर देखिए, हम लोग बात तो कर रहे हैं RWA क्रिप्टो की, लेकिन दो चीजें एकदम क्लियर हो रही है. लेयर 1 भी है और इधर से RWA बेस प्रोजेक्ट भी है, RWA बेस ब्लॉकचेन भी है. तो अल्टीमेटली आप अगर इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालें, एवलांच आने वाले बुलरन में हमें बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है. एक आप लोगों को हिंट और दे देता हूं, कई वीडियो में बोलने की कोशिश की है, इस बार वीडियो में भी बता देता हूं. एवलांच लेयर 1 ब्लॉकचेन है और रियल वर्ल्ड असेट्स का टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है. आपको यह नहीं भूलना चाहिए, जब भी किसी लेयर 1 ब्लॉकचेन की बात होती है तो हमें उसके टॉप मोस्ट 2 या 3 मीम कॉइन के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मीम इज ऑल्सो इन द ट्रेंडिंग फॉर लास्ट मोर देन 1 ईयर. तो एवलांच का टॉप मोस्ट मीम कॉइन कौन सा बनता है दोस्तों? अगर आप लोग कॉइन मार्केट कैप पर जाते हैं और एवलांच के टॉप मोस्ट मीम कॉइन की बात करते हैं, तो आज की डेट में मीम कॉइन एवलांच बेस पर जो सबसे टॉप है वो है COQ. 374 रैंक पे है और 101 $0.53 मिलियन की मार्केट कैप है। अगर आप लोग इसके मार्केट सेक्शन को जाकर देखें तो ओवरऑल काफी अच्छी एक्सचेंज बायबिट तक पहुंच चुका है। हुबई ग्लोबल, गेट डोटाइयो, बिटफिनेक्स, कूकॉइन, MEXC पर लिस्टेड है और बहुत ज्यादा चांस है आने वाले बुलरन में ये प्रोजेक्ट इजीली बाइनेंस, कॉइनबेस पर लिस्ट हो जाए, फिर चाहे पहले स्टार्टिंग फ्यूचर ट्रेडिंग से हो और बाद में स्पोर्ट ट्रेडिंग में आए। सो अल्टीमेटली दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट असेट्स, सेफेस्ट मीम कॉइन फॉर द बुलरन बेस्ड ऑन एवलांच लेयर 1 एज वेल एज टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट ऑफ RWA क्रिप्टो। तो COQ का हिंट आप लोगों को मिल गया है ऑलरेडी, कई वीडियो में आप सुन भी चुके होंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में। जब मैं सेकंड प्रोजेक्ट RWA का पिक कर रहा हूं, चेनलिंक। अब चेनलिंक को अगर आप लोग सिर्फ एक पोटेंशियल से जाने तो चेनलिंक इथेरियम, BNB, सोलाना, हैको, जियोनेसिस, फैंटम, पॉलीगॉन सभी टॉप मोस्ट ब्लॉकचेन पर चेनलिंक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इट मींस चेनलिंक का भी कोई ऐसा ना स्मार्ट केस या कोई स्मार्ट यूज केस है या कोई एक ऐसा पोटेंशियल है जिस वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री की मोस्टली ब्लॉकचेन या मोस्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चेनलिंक अवेलेबल है। मार्केट सेक्शन में आप बात करो, वर्ल्ड की लीडिंग एक्सचेंज कॉइनबेस और टॉप मोस्ट एक्सचेंज बाइनेंस, इन दोनों पर अवेलेबल है। OKX, बायबिट, इवन क्रैकन, अपबिट तक सभी एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। इट मींस चेनलिंक एग्जैक्टली ऐसा क्या कर रहा है, हमें यह जानना है। देखिए 2017 में चेनलिंक को फाउंड किया गया था और ये एक ब्लॉकचेन की एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो एनेबल करती है यूनिवर्सल कनेक्टेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, मतलब एक ऐसी ब्लॉकचेन जहां पर आप बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपस में यूनिवर्सली कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई क्रिप्टो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की आपको मोस्टली ब्लॉकचेन के ऊपर चेनलिंक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल दिख रहा है। और ओवरऑल अगर हम इस चेनलिंक प्रोजेक्ट की बात करें सो ओरेकल नेटवर्क पर जो डिसेंट्रलाइज्ड सबसे पहला जो बड़ा प्रोजेक्ट आया वो चेनलिंक आया। आने वाले टाइम में अगर हम एंटरप्राइज लेवल पर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को देख रहे हैं तो चेनलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। और रियल वर्ल्ड असेट्स में अगर हम लोग सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपस में कनेक्ट करके कोई अच्छी यूटिलिटी बना सकते हैं, एक अच्छा यूज केस बना सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं ग्लोबली, यूनिवर्सली, तो चेनलिंक जैसे प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन जाती है। सो अल्टीमेटली नेक्स्ट बुल रन के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट लेकिन जो है रियल वर्ल्ड एसेट्स का, उसमें चेनलिंक एक टॉप मोस्ट सेकंड चॉइस बन जाता है। ओके, अब यहां पर अगर हम लोग रियल वर्ल्ड एसेट्स के तीसरे प्रोजेक्ट पे जाएं, ICP, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला डीपिन एक टॉप मोस्ट कैटेगरी बन जाता है। तो इंटरनेट कंप्यूटर नाम से आपको पता लग रहा होगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर इंटरनेट की भी बात की जा रही है, कंप्यूटर की भी बात की जा रही है, बैकएंड के अंदर नेटवर्क की भी बात की जा रही है। सबसे पहले आप लोग अगर इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखो तो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको ICP दिखता है। इट मीन्स इट्स इज ऑल्सो अ लेयर 1 ब्लॉकचेन। मार्केट सेक्शन में चलें तो वर्ल्ड की मोस्टली सभी एक्सचेंजेस पर ICP भी अवेलेबल है। और अगर आप इसके अबाउट सेक्शन में जाओ तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को यही मिलेगा कि इट इज ऑलरेडी अ ब्लॉकचेन, बट इसके ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टोग्राफी जो एक कंसेप्ट है जिस पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्टार्ट हुई है, सीक्रेट राइटिंग जिसे बोलते हैं, या क्रिप्टोग्राफी एक सीक्रेट राइटिंग वर्ड से ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर किया जाता है। ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट वर्ल्ड कंप्यूटर ब्लॉकचेन दैट कैन बी यूज टू बिल्ड ऑलमोस्ट एनी ऑनलाइन सिस्टम और सर्विसेज। मतलब आप ब्लॉकचेन पे किसी भी टाइप की, ऑलमोस्ट किसी भी टाइप की ऑनलाइन सर्विसेज को या सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं विद द पावर ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर, जिसे हम आज की डेट में ICP बोलते हैं। इट मींस RWA प्रोजेक्ट में या RWA कैटेगरी में आपको इन तीन बड़े प्रोजेक्ट का पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंड हो चुका होगा। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बुलरन में बात करूं तो इसी कैटेगरी में दो प्रोजेक्ट और बहुत बड़े निकल कर आते हैं। VChain, अ फंडामेंटल प्रोजेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन, द सेकंड वन जिसकी आप लोगों ने बहुत बार हाइप सुनी होगी, ऑन्डो। और इसी कैटेगरी में SNX और मंत्रा ओम, रिसेंटली 2023 में आप लोगों ने इसको काफी ग्रो होते देखा भी होगा। बहुत सारे लोगों ने ना जब ओम के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखा तो वो सरप्राइज हो गए कि अचानक से ओम या फिर ऑन्डो जैसे प्रोजेक्ट के अंदर इतना बड़ा पंप कैसे आया। दोस्तों, पंप आने का सबसे बड़ा रीजन ही RWA है। और आज की डेट में जैसे आप लोग बिटकॉइन, इथेरियम का ETF सुन चुके हो, सोलाना का ETF रूमर सुन रहे हो, और कहीं ना कहीं पर अगर हम लोग वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस की बात करें जिसमें आज की डेट में BlackRock का नाम सबसे ज्यादा है, तो BlackRock ने कहीं ना कहीं पर सोलाना ETF की तैयारी भी कर ली है और RWA बेस्ड क्रिप्टोज की भी तैयारी कर ली है। और टोकनाइजेशन अगर हम बात करें, अगर ब्लॉकचेन वर्ल्ड में टोकनाइजेशन सिस्टम की बात करें तो BlackRock इज वेरी इंटरेस्टेड टू बी इन टोकनाइजेशन, तभी RWA बेस्ड कैटेगरी जो है आने वाले बुल रन में एक टॉप मोस्ट कैटेगरी मानी जा रही है। तो अब आपको यहां से बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेटर होगा, और मैंने आपको हमेशा बोला है हर टॉप कैटेगरी के ओवरऑल 5-6 प्रोजेक्ट्स पर जरूर ध्यान दो, लेकिन एक ऐसी प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको लगातार एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर आपको लगातार जो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो प्रॉपर यूज केसेस पे काम कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड को कहीं ना कहीं पर उसके अंदर कुछ सिस्टम या सर्विसेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे यूज केस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो एंटरप्राइज लेवल पर बहुत बेहतर तरीके से यूज हो सकते हैं फ्यूचर में। तो ऐसी कैटेगरी के आपको मोस्टली प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं आरडब्ल्यू कैटेगरी की बात करूं तो XDC, ओम, SNX, क्वांट, ओंडो, वेट, मेकर, आईसीपी, चेनलिंक, AVAX, ये टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, एक जो सबसे बड़ा हिंट मैं आपको देने जा रहा हूं, RWA का बहुत बड़ा ट्रेंड होगा। हम लोग टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट की तो हमेशा बात करते हैं, अगर हम इसी लिस्ट में थोड़ा सा डाउन आने की कोशिश करें और 1000 रैंक से लेकर 1500 के रैंक पर देखें RWA बेस्ड प्रोजेक्ट, जैसे 1020 पर LMR है, 1024 पर CGO है, UB एक्सिस है, देन 1059 पर प्लैनेट है, अब इनकी ओवरऑल मार्केट कैप क्या होने वाली है। ओके आपको याद होगा मैंने आपको एक बार रियो प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया था, 1085 का रैंक। अगर मैं REO की बात करूं, बहुत बड़ी हाइप है इस प्रोजेक्ट की RWA की, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ $9 मिलियन की मार्केट कैप है। 1086 रैंक, सिर्फ $9 मिलियन की मार्केट कैप। और RWA का जिस हिसाब से ट्रेंड है, अगर ये प्रोजेक्ट 100 मिलियन 200 मिलियन की मार्केट कैप बना गया तो यहां से 20 गुना का रिटर्न बहुत सेफ आप लोगों को मिलने वाला है। अब अगर रियो प्रोजेक्ट के मार्केट सेक्शन में आप चलो तो आपके पास सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज काफी सारे ऑप्शन भी है इजीली इसको बाय करने के। अब यहीं पर आपको मतलब 1000 से लेकर 1500 रैंक के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना है, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को रियो बताया। उसमें अगर आप बात करो 1167 सॉइल है, उसके बाद 1420 वेक्स्ट, उसके बाद 1442, फिर उसके बाद 1461 हॉरिजॉन, फिर 1564। मेरे हिसाब से 1086 से लेकर या 1020 से लेकर LMR से लेकर इसमें अगर आप चॉइस करो 1461 तक, ये जो प्रोजेक्ट है। अब 1461 पर अगर मैं आता हूं, RWA का है, ऑफिशियल सप्लाई वेरीफाई है और $2.8 मिलियन की मार्केट कैप है। इट मींस बहुत लो कैप का प्रोजेक्ट है। रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा है क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन अगर हम लोग RWA बिलीवर हैं और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये कैटेगरी एक टॉप मोस्ट कैटेगरी बन सकती है, तो हेयर इज द बिग पोटेंशियल इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब RWA का 1461 रैंक का प्रोजेक्ट जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप $2.8 मिलियन है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज MEXC और पैनकेकस्वैप डेक्स पर अवेलेबल है, BNB स्मार्ट चेन पर बना हुआ है। सो ओवरऑल अब आप यहां पर ये नजर डाल सकते हो कि अगर आप एक पर्टिकुलर रैंक पर फोकस करो 1000 से लेकर 1500 के रैंक के बीच में, टॉप मोस्ट कैटेगरी में, जहां पर आपको 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के बीच की मार्केट कैप के प्रोजेक्ट मिलेंगे RWA के, आप उनमें से 2-3 प्रोजेक्ट $50, 100 या डिपेंड ऑन योर बजट आप बाय करके रखो बस सिंपली, और बुल रन का वेट करो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न 100% मिल जाएगा। बट यस, अगर एक बहुत बड़ी हाइप की बात करें या इस टाइम पर यूट्यूबर्स की तरफ से, इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से जिन प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है इस कैटेगरी में, अभी तक जो प्रोजेक्ट मुझे देखने को मिले हैं, 2 प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बातें सुनी है मैंने, एक तो प्लैनेट और एक रियलियो नेटवर्क। तो ये 2 प्रोजेक्ट मेरी चॉइस के बनते हैं। तो अगर आपका भी इस पर फोकस लगता है सो प्लीज डू बाय दीज प्रोजेक्ट। बट यस, मैंने आपका पूरा फोकस RWA पे क्या होना चाहिए वो भी प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। So it's all dependent on you. But yes, this is the bullish signal for all of you. But please keep it in mind, you are in the highly volatile market. So please do your own research before buying, before starting, before investing in crypto market. Thank you so much for watching this video and please do subscribe Crypto Marg YouTube channel for more updates. Thank you so much.